ऐसी कोई चीज जो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन पास्ट में, मतलब मेरे पास पहले थी, लास्ट टाइम, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे पास अब नहीं है, पहले बचपन में थी, लास्ट टाइम। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, किन चीजों के साथ खेलते थे, खिलौनों के साथ खेलते थे, खिलौनों को बोलते चॉइस, सुनाई दिया, चॉइस, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। अच्छा, बच्चों के खिलौने आपने देखे होंगे, अगर लड़कियों की बात करें, मतलब गर्ल्स की, तो बचपन में कौन कौन से खिलौने रखती थी, सबसे पहले तो गुड्डा गुड़िया, लास्ट टाइम जो गुड़िया है उसको बोले डॉल, डॉल। और उस गुड़िया की कितनी बार शादी होती थी मालूम नहीं है, लास्ट टाइम 25-30 बार शादी करवा देते थे उसकी, लास्ट टाइम। अच्छा, वो मायके आयके भी जाती थी, लास्ट टाइम ससुराल भी आती जाती थी। अच्छा, बच्चों के खिलौने, अगर लड़कों को खिलौने दे दो तो थोड़े से अजीब हो जाते थे, लास्ट टाइम। पहले दिन बच्चे को खिलौने दे दो, अगर मान लो उसको हाथी दिला दो, दूसरे दिन सूंड गायब, लास्ट टाइम। हाँ, ये अगर उनको शेर दिला दो, पूंछ गायब, लास्ट टाइम। और अगर उनको जीप दिला दी, पहिए गायब, लास्ट टाइम। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, लास्ट टाइम। तो जो खिलौने उनको चॉइस सुनाई दिया, चॉइस। मैं देख रहा था 30-30 मिनट से बड़े सीरियसली पढ़ रहे हैं आप, लास्ट टाइम। तो मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो कुछ रोल प्ले करते हैं अपना, लास्ट टाइम। ये ऑक्सफोर्ड की खूबसूरती है ना, थोड़ी सी चेहरे पे चमक ले आती है, लास्ट टाइम। वो इसी के लिए तो जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हैं, कि हम खुश रहे, बढ़िया है, लास्ट टाइम। कल इवनिंग में एक मैम आई और वो बोलती है कि सर मुझे रिज्वाइन करना है, और उनके एक्चुअली उनकी पूरी फैमिली मेरी एक्चुअली इस एकेडमी की मेंबर है, लास्ट टाइम। हस्बैंड से लेकर चारों बच्चे, 7 लोग मेंबर्स हैं, सातों के सातों एक इस एकेडमी के मेंबर्स हैं, लास्ट टाइम। तो वो कल बोले कि सर बच्चों की छुट्टी हो गई है, मैं इंग्लिश सीखने आ रही हूँ, लास्ट टाइम। बिल्कुल अच्छी बात है, लास्ट टाइम। बोले सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट आऊंगी, मतलब इन द सेंस कि मैं 20-25 दिन के बाद ज्वाइन करूंगी और बच्चों को भेजती हूँ, लास्ट टाइम। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक्चुअली मैंने उनसे पूछा कि मैम वैसे अभी आपको क्या जरूरत है इंग्लिश की, वो बोली कि सर घर में दिन में बहुत सारे काम रहते हैं, ये करो वो करो, और मेहमान लोग आते रहते हैं, और शाम को अगर कभी लड़ाई बड़ाई भी हो जाए तो सुबह इधर आके हंस लेते हैं, तो कम से कम खुशी मिलती है कि 10-15 घंटों की भास दूर हो गई हमारी, तो ये भी अच्छा है कि हंसो कम से कम, लास्ट टाइम। तो ये अब सोचो लोग कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं कि क्या होता है, ऑक्सफोर्ड में केवल इंग्लिश नहीं, यहाँ पर तो हम क्या है हंसी की योगा करने सीखने आ रहे हैं यहाँ पर, लास्ट टाइम। चलिएगा, अच्छी बात है, लास्ट टाइम। देखो मेरे पास पहले एक मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, अब मुझे मेरे पास ऐसी टीवी नहीं है, लास्ट टाइम। तो पहले थी अब नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जो मेरे पास पहले थी अब नहीं है, लास्ट टाइम। आई हैव क्या, आई हैव, और हैड के बाद गॉट का यूज नहीं करना है, जब भी आपको बताना हो कि ये चीज मेरे पास पहले थी अब नहीं है, मुझे अगर यहाँ पर ये कहना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मेरे पास पहले थी अब नहीं है, लास्ट टाइम। आई हैड, और हैड के बाद जो भी चीज आपके पास पहले थी उसका नाम बोलना सीधा, गॉट का यूज नहीं करना, ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम। कई स्पीकर्स गलती कर देते हैं, प्रेजेंट में हम बताते हैं ना मेरे पास एक पेन है, तो हम यूज करते हैं गॉट का, आई हैव गॉट अ पेन, तो वही उनको इंग्लिश दिमाग में रहती है कि अगर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी तो मैं बोलूं आई हैव गॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, यहाँ गलत हो जाएंगे, याद रखिएगा, लास्ट टाइम। लास्ट टाइम सिंपल पास्ट की बात करें ना, ऐसी चीज मेरे पास पहले थी, तो पहले क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कब थी, इन माय चाइल्डहुड, इन माय चाइल्डहुड। देखो मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, इन माय चाइल्डहुड, अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, इन योर चाइल्डहुड, क्या, अगर मैं इनके बचपन की बात करूँ, इन माय चाइल्डहुड, अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, इन योर चाइल्डहुड, क्या, अगर मैं इनके बचपन की बात करूँ, हिज इन हिज चाइल्डहुड, किसी मेल के बचपन की बात करना हो, इन हिज चाइल्डहुड, किसी फीमेल के बचपन की बात कर, इन हर चाइल्डहुड, लास्ट टाइम अपने बचपन की बात कर,
इन माय चाइल्डहुड इन आवर चाइल्डहुड हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं ना, हमारे बचपन की, जब हम अपने हिंदी मीडियम स्कूल में जाते थे इंडस्टार, और कभी कभी क्या है कि बैग में इतनी बुक्स कॉपीज रखी रहती थी, लंच फिर बॉटल, और इतना बैग भारी हो जाता, कभी कभी उसकी बद्दी टूट जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, फिर उसको पकड़ के कर दे, हम आर्मी में जा रहे हो और हम युद्ध लड़ेंगे, है ना, ऐसे करते थे। और फिर हमें बड़ी शर्म आती थी कि बैग की बद्दी टूट गई है, फिर हम उसमें पिन लगाते थे, है ना, बड़े वो बचपन के दिन बढ़िया बेहतरीन थे, लेकिन चले गए। ऐसी कोई चीज जो चली गई, गुजर गई, आपको कभी वापस नहीं आएगी, वो कहते हैं ना चली गई, गॉन आर द डेज, जो चीज गुजर गई, कहते हैं वो दिन फाकता हुए, उर्दू की भाषा में कहते हैं फाकता हुए, लश्कार, कहते हैं बचपन के दिन फाकता हुए, अब वापस नहीं आने वाले, लश्कार, गॉन आर द डेज ऑफ चाइल्डहुड, फ्रेंड या गॉन आर द डेज ऑफ के बाद जिस चीज के दिन चले गए, बचपन के दिन चले गए, उसका नाम बोल दीजिएगा चाइल्डहुड। अगर मेरे बचपन के दिन चले गए, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाता हूँ जितना मैं पहले कर लेता, लास्ट कार बिल्कुल बोल सकते हैं गॉन आर द डेज ऑफ चाइल्डहुड, लास्ट कार। पहले जैसे ही न्यू ईयर आता था, दिसंबर के ही महीने में पूरे मार्केट की शॉप्स पर एक ही चीज नजर आती थी, 20 तारीख से, मतलब 20 दिसंबर से, ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इतने अच्छे अच्छे ग्रीटिंग्स आते थे, हम लोग तो आकर्षित हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, उनकी तरह अट्रैक्टेड हो जाते थे, और रोज हम लोग क्या है कि ग्रीटिंग्स देखने जाते थे दुकानों पे, जब भी हम कभी शॉपिंग के लिए निकलते थे, तो अच्छा जिस दिन ग्रीटिंग का देने का टाइम आता था न्यू ईयर पर, तो हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे ग्रीटिंग्स होते थे, लेकिन हम छांटते एक रुपए वाला ही था, 50 पैसे वाला, कि कहीं हमें वो मिल जाए अच्छा सा, क्योंकि उस जमाने में जैसे काम होता था उसी हिसाब से काम करते थे, लश्कार, पैसे नहीं तो हमें एक रुपए मिलते थे, भले 2 घंटे रोना पड़े उसके लिए, है ना, बचपन में क्या है बहुत चीजें अलग थी, लश्कार। और अगर पापा चले गए तो मम्मी तो फिर निकालने वाली नहीं हो पैसे वाले, मम्मी के हिसाब से तो पैसे कम मिलेंगे, लश्कार, 2 घंटे पहले यहाँ प्रस्तुति दो अपनी, या आपको को डांस करवाओ, फिर आपको मिलेगा कोई 1 रुपए का नोट, लास्ट कार्ड, और वो भी ऐसे मिलेगा आपको कि बेटा आप ध्यान रखना अभी मिलेगा, लास्ट कार्ड, तो आप उम्मीद के साथ ऐसे रहते थे कि कभी चलो फिर मिलेगा, लास्ट कार्ड। अभी हम बात करें, अच्छा जो ग्रीटिंग कार्ड के जो दिन है अब वो नहीं रहे, अब तो चले गए हैं वो दिन, अब कोई ग्रीटिंग कार्ड यूज नहीं करता, लास्ट कार्ड, अब तो हम ऐसे यहाँ पर लिख कर भेज देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, है ना, और जो भी लिखते हैं वट एवर, लश कार्ड। लेकिन उस टाइम पर जब ग्रीटिंग कार्ड्स की टाइम था, तो हम लोग उसको खरीदने के बाद उसमें भी क्या करते थे, अच्छी अच्छी शायरिया लिखते थे, बढ़िया जो भी आप लोग लिखते थे, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, लश कार्ड, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको हंसी आएगी, लश कार्ड, कई लोग लिखते थे, लिखता हूँ तुम्हारा प्रिय मित्र, लेट्स कार्ड, है ना, तुम्हारा प्रिय मित्र पुष्पा, पुष्पा भी अपने आप में पॉपुलर वर्ड है, लेट्स कार्ड, चलिएगा, लेट्स कार्ड, ऐसे बोल दिया मैंने, फॉर पंसेक, सुना दिया, ये ऑक्सफोर्ड की जो क्लासेस है ना, ये इसी की खूबसूरती, इसकी खूबसूरती है, लेट्स कार्ड, पढ़ो और एंजॉय करो, टेंशन लेना नहीं है, ना देना है किसी को, लेट्स कार्ड। अच्छा मेरे पास बचपन में एक्चुअली एक पेन था, जिसमें क्या है कि ये पेन तो आज यूज होने लगी, पहले एक पेन चलता था, पहले उसको खोलेंगे, तो उसमें स्याही डालेंगे, पहले पेन पे टपकाएंगे, फिर डांट भी खाएंगे, और कभी मूड खराब हो गया तो हमने ऐसे कर दिए, बोले जरा उसकी शर्ट पर, उसकी शर्ट पर भी थोड़े से ये आप बोल रहे हो, वो तुमसे आग बबूला, वो कभी कभी तो कुछ लोग गुस्से में रहते हैं कि आज ही मर्डर करेंगे, है ना, आज थोड़ी जनसंख्या कम करेंगे, लश्कार, तो जो ऐसा पेन जिसमें स्याही भर के हम यूज करते थे उसको, उसको
बोले फाउंटेन पेन, अब वो पेन मेरे पास नहीं है, लेट्स स्टार्ट। लेकिन मेरे पास बचपन में वो पेन था, याद रखिएगा, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास अभी नहीं है वो पेन, आए अभी नहीं है तो कैसे बोलेंगे, आए गॉट आ फाउंटेन पेन क्या, लेकिन मेरे पास बचपन में था। बट यू नो, बट यू नो, यू नो का यूज यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें लग रहा है कि कहीं हमारा पार्टनर मुझे ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो यू नो का यूज करके आप उसका अटेंशन खींच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं कि मेरे पास ऐसा पेन नहीं था, बड़ी यू नो आप जानते हो, मतलब देखो ट्रांसलेशन नहीं करना, आप जानते हो, बड़ी यू नो आई हैड अ फाउंटेन पेन इन माय चाइल्डहुड, मेरे पास बचपन में ऐसा पेन था, नेक्स्ट टाइम अभी नहीं है लेकिन मेरे पास बचपन में था, आई हैड अ फाउंटेन पेन इन माय चाइल्डहुड, नेक्स्ट टाइम। अच्छा पहले एक फोन भी था, बहुत क्लासिक फोन, और कभी जैसे फोन भी ऐसे थे कि लिमिटेड लोगों के पास, मोहल्ले में दो चार लोगों के पास, वो हमारे जो एक्चुअली मैसेजेस आते थे तो वो क्या है कि दूसरे मोहल्ले वालों के घर में ही आते थे, मतलब अब मान लो कोई नोएडा से बात कर रहा है, कोई इंदौर से बात कर रहा है, हाँ हेलो, उनको गीता दीदी को बुला देना, उनसे बात करना। अब हाँ रुकिएगा, आप अब वो फोन लटका के रखा और इधर गीता दीदी को बुला लेंगे, तो गीता दीदी आएंगी, वो रोटी बना रही है, रोटियां छोड़ेंगी, खाना बनाना, फिर वो आएंगी, हाँ भाभी जी क्या हो रहा है, मामी जी क्या हो रहा है, ये चलता रहता है। लेट्स स्टार्ट। ऐसा फोन जिसमें हम नंबर लगाते थे, ये इसको बोलते हैं रोटरी फोन, वो आदत आवाज हमारी क्या वो फोन में थी, अब इधर आ गई है ना, तो कुछ ना कुछ तो आदत चेंज होगी। लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा फोन उसको बोले रोटरी फोन, रोटरी फोन। अगर मुझे आपसे देखो पूछना है कि आपके पास रोटरी फोन है क्या, या आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आपके पास ऐसा फोन है क्या, लेट्स स्टार्ट। देखो दिख तो नहीं रहा, तो अगर पता करना है तो कैसे पता करें, आप देखिए ना यहाँ पर इसी चीज को तो समझना है। रोटरी फोन कोई चीज है, कोई एक्शन नहीं है, नहीं ना, तो सामने वाले से पूछना है कि वो चीज उसके पास है या नहीं, कंफर्म कर रहे हैं, और कंफर्म कैसे करते हैं, हैव यू गॉट आ रोटरी फोन। इसीलिए मैंने एक्शन और नॉन एक्शन को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि एक्शन क्या होती है, नॉन एक्शन क्या है। लेट्स स्टार्ट। आप मुझे आंसर देना, मेरे पास ऐसा फोन नहीं है तो बिल्कुल आंसर दे दीजिएगा, नो आई हैव गॉट अ रोटरी फोन, बट यू नो मेरे पास बचपन में ऐसा फोन था, बट यू नो आई यहाँ पर जैसे आप बता रहे ना आई हैड अ रोटरी फोन इन माय चाइल्डहुड, तो जब एक वर्ड को हम दो तीन बार बोलते हैं ना तो उसका नाम यूज कर नाम यूज ना करके उसकी जगह पर इट का यूज करते हैं। अगर मुझे बोलना है मेरे पास रोटरी फोन पहले बचपन में था, तो यहाँ पर उसका नाम न बोलकर हैड के बाद मैं उसका नाम के प्लेस पर इट का यूज कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट। बट यू नो आई हैड इट इन माय चाइल्डहुड। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जो एरोप्लेन होता है तो एक्चुअली सबसे मतलब कि जो नॉर्मली रहता है उसको बोले एरोप्लेन का एरोप्लेन, या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हेलीकॉप्टर, है ना। हाँ, और अगर मान लो थोड़ा सा और गांव में चले जाएंगे चील गाड़ी बोलेंगे वो लोग, है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है और मम्मी मम्मी वो चील गाड़ी है ना, चील गाड़ी। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि बचपन में चील ही उड़ती थी,
अब एरोप्लेन चीज रहा है वो नहीं है, सोचो आप क्या स्टार तितलियां ढूंढने से नहीं मिल रही है, क्यों तितलियों के दिन गए, गर्मी आ रही है इसलिए तितलियां रहा है क्या स्टार, कुछ दिनों बाद आदमी रहा है इंसान से यहाँ पर पृथ्वी से क्या स्टार, इसलिए मेरे जी लो अपनी जिंदगी है ना, मैं मतलब ये नहीं कह सिमरन चलिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एरोप्लेन की लेट स्टार्ट, अच्छा आजकल तो नई नई चीजें इन्वेंट हो चुकी हैं, ऐसा एरोप्लेन जिसमें 8-10 लोग ही बैठते हैं या 4-6 लोग ही बैठते हैं, ऐसे एरोप्लेन को मिनी एरोप्लेन को हम लोग बोलते हैं चौपर, सुनाई दिया चौपर। तो अगर मुझे पूछना है, मुझे नहीं मालूम आपके पास है या नहीं है, लेट्स स्टार्ट, वैसे एक्चुअली मेरे पास बचपन में था, मैंने बेच दिया, लेट्स स्टार्ट, छोटे बचपन में ये शौक पालता था आपने, लेट्स स्टार्ट, अब नहीं है मेरे पास, लेट्स स्टार्ट। तो अगर सामने वाले से कन्फर्म करना है आपके पास चौपर है या नहीं, कैसे कन्फर्म करेंगे, Have you? Have you? What a chopper? What a chopper? What a chopper? अब सोचो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट, 20 दिन पहले 20 डेज अगो आप जब इंग्लिश बोलने आए थे तो आपको हैव और हैज और विल मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, अब अगर किसी से पूछना होगा तो फटाक से एकदम से कितनी स्पीड से निकलते हैं, लेट्स स्टार्ट, कोई टाइप भी नहीं कर पाएगा अगर आपको मतलब अगर डिस्कस करेंगे तो, लेट्स स्टार्ट। मुझे अभी मैंने पूछा ना कि अगर किसी से पूछ रहा हूँ कि आपके पास चौपर है कैसे पूछेंगे, स्पीड देखो आपको 15 दिन पहले की स्पीड देखो, तो रेगुलरिटी अगर आप अपने अंदर रखते हैं, प्रैक्टिस रखते हैं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कोई चीज हमारी डेवलप भी होती है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलिएगा तो इसका आंसर देते हैं, हमारे पास नहीं है मना कर दे, नो आई हैव अ चौपर, अ चौपर, बट यू नो इन माय चाइल्डहुड। अच्छा कई लोग जो जिनको पैसे मिलते हैं जैसे रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो 5 रुपए 10 रुपए, आजकल 5 रुपए का कोई रोल नहीं, रिश्तेदार 5 रुपए बच्चों को देते नहीं है, वो ये सोचते लेंगे लेट्स स्टार्ट। हम कभी कभी जैसे किसी बच्चे को अगर सीधे साधे बच्चे को लड़की को अगर 5 रुपए दे दिए तो वो उसने देगा 5 रुपए में कुछ नहीं आता, रिश्तेदारों को शर्माती है कि ये बच्चे ये भी है, ये भी समझते हैं कि आज मोदी जी ने 2000 का चालू कर दिया, लेट्स स्टार्ट, मतलब उनकी उम्मीद है देखो आपके अगर रिश्तेदार आ रहे हो तो कुछ मिल जाए, अच्छा लेट्स स्टार्ट। अच्छा बच्चे भी इंडिया के इतने स्मार्ट, जब रिश्तेदार आएंगे बड़े खेलेंगे बढ़िया, आप 9 बजे आइए पैर उठा कर लाएंगे, जिस दिन जाएंगे ना तो उस दिन पता क्या करें, वो पहले से रोने लगे, आप जाते वक्त रोएंगे तब तो मिलेंगे नहीं, भूल जाते हैं रिश्तेदार के पैसे देना उनके लिए, देखा जाओ लेट्स स्टार्ट। तो जान बूझ के गेट के पास कहीं आपको मिल जाएंगे जहाँ से वो निकलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हुए मिल जाएंगे, समझ जा मामा जी समझ जाएंगे इनको कि भैया कुछ लगेगा इधर, लेट्स स्टार्ट। ये इंडिया का नेक है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही उसको जो 50 का नोट या 100 का नोट मिला एकदम से साफ साफ आंसू आंसू साफ साफ, लेट्स स्टार्ट, कोई रोना वोना नहीं है भाई, लेट्स स्टार्ट। अच्छा फिर वो मिट्टी की वो एक फिर हम लोग क्या करते थे, पहले 1-2 महीने उसमें पैसे डालते, फिर बाद में किसी दिन संडे हाँ आवाज तो बहुत अब भारी भी होगा बैलेंस भी कर भारी होगी, लेट्स स्टार्ट। वो गलती से कभी किसी दिन वो टूट लेट्स स्टार्ट उड़ जाती थी, बड़ा मजा आता था, लेट्स स्टार्ट। या कभी कभी आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी किया होगा ऐसा काम, देखो जिसमें हम पैसे जमा करते थे उसको बोले पिगी बैंक, सुनाई दिया पिगी बैंक, पहले मैं उसी का यूज करता था पैसे को सेव करने के लिए, लेट्स स्टार्ट। लेकिन सोचो कॉन्फिडेंस देखो आप, चीज मिट्टी की थी लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि मतलब कि ये सुरक्षित है यहाँ पर कोई टच नहीं करेगा भाई। अच्छा कई लोग ये बड़े भाई की अपना अपना नाम लिख देते थे जैसे 3 है 4 है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखो लेकिन कोई किसी की ये टच नहीं करता था ना कुछ करता था, लेट्स स्टार्ट। आजकल अगर कोई ऐसी चीज रख दिन गायब मिलेगी नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पैसे
खत्म हो जाते थे समर वेकेशन में, जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी। अब पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ जमा किए बाहर से निकाल। अब निकालेंगे कैसे? या तो हम लोग ब्रेक नहीं करते थे उसको, हम लोग उसको क्या करते थे, ब्लेड आता था टोपाच, पापा जिससे दाढ़ी बनाते थे उससे हम लोग क्या करते थे, नई खोज इसको तोड़ा। जब बैलेंस उसकी उसकी माउथ पर वो लटक जाता था, उसको थोड़ा सा मुझे नहीं लगता हमने किया हो या नहीं किया, बड़ा मजा आता था। जस्ट आर जस्ट आर वो दिन बचपन के चले गए ना। गॉन आर देश ऑफ वन आर द डेज ऑफ चाइल्डहुड, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दिन।